हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैंने बड़ी आपसे एक मजे की बात डिस्कस करनी है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि बड़ी फनी भी है। पहले लेट स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है? जो मैं बात अपने काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे, अगर आप मुझे नहीं फॉलो करें तो इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें, वहां पे मैं काफी इस चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैस्कुलिनिटी के बारे में, जिसको कुछ चवल सोए बॉयज नहीं होते जिन्होंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की होती, ठीक है, उनके आके व्हाइट नाइट जाते हैं, उनका ऑनर प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और ताकि एक दिन उनकी पैंटीज में घुस जाए। मुझे पता है सारे के जो होते हैं, ठीक है, एवरीबॉडी नोज दैट यू आर अ वीजल, और मैं इस वीजल के बारे में एक वीजल के बारे में बात भी करूंगा। ये जो होते हैं ना, नाइस बॉयज होते हैं, नाइस गाइज होते हैं, ये सारे लड़कियों के फेवर में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके चुक चुक के, लेकिन जाती लड़के बैड बॉयज के पास ही। अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, एक और बात मैंने करनी है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स, जब भी मैं कहता हूँ ना कि यार डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ योर वुमन, इवन टू योर फ्रेंड समटाइम्स, द रीजन व्हाई आई से दैट इज वल्नरेबिलिटी शो होती है। ये दुनिया जो है ना, ये बहुत बहुत ईवल है, तुम लोग नहीं समझ रहे, मैं तुम्हें फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब भी तुम किसी के आगे अपने रोना धोना करते हो ना, तुम्हें 2 मिनट की 2 सेकंड की सिंपति मिल जाती है, लेकिन द वर्ल्ड डज नॉट केयर अबाउट योर प्रॉब्लम्स बिकॉज एवरीबॉडी हैज अ प्रॉब्लम ऑफ देयर ओन। अब तुम इसको मुझे एंड्रयू टेट बुलाओ, मुझे एंड्रयू प्लेट बुलाओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तुम लोग यहाँ पे हेल्प करने आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यार तुम लोग भी ऐसे बनो जो कि खुद इतने स्ट्रांग हो, खुद उनका इतना आयरन माइंड हो कि जब तुम लोग दोस्त तुम लोग इर्द गिर्द ना, तो वो तुम्हारे साथ थ्योरीज अपनी शेयर करें, because they know that you're the strong figure and they can tell and share their stories to you rather than you crying about your problems to other people. Trust me when I say this, जब तुम stoic हो जाते हो ना, तो लोग भी तुमसे attract होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पता है यार जो मर्जी कर लो उस बंदे को, ये बंदा नहीं टूटता। देखो, मैंने काफी किताबें पढ़ी हैं और मुझे काफी ज्यादा आइडिया इन चीजों के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो मैं तुम लोगों को इसलिए चीजें बताता हूँ ताकि तुम लोगों की लाइफ इस चीज से बेहतर हो। लोग कहते हैं कि क्या मतलब यार, रोना धोना नहीं है, हम इंसान है, मैन डू क्राई। भाई रो सिर्फ अल्लाह के आगे, ठीक है, अल्लाह के आगे या अपने बहुत ट्रस्टवर्दी ब्रदर्स के आगे, मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ, वरना तुम्हें हर जगह से जजमेंट आएगी। तुम्हें अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड से भी, देखो दे के नॉट हेल्प इट, जो अच्छी नस्ली सच्ची औरत होगी ना, वो तुम्हें कभी झूठ नहीं बताएगी, वो तुम्हें वाकई कहेगी कि वी डोंट लाइक मैन जो कि हमारे पास आके रोना धोना मचाते हैं, हमें फिर गाने सुनाते हैं दुख भरे, ठीक है, और नब्जे काट रहे होते हैं। असल एक औरत होगी ना, वो हमेशा कहेगी कि दिस इज वेरी रिपल्सिव बिहेवियर, ठीक है, लाइक दे डोंट वांट टू टॉक टू अनदर वुमन व्हेन दे टॉकिंग टू अ मैन। वन मोर थिंग आई वांट टू से, यार इमोशन शो करने तो सिर्फ रोना धोना थोड़ी इमोशन होता है, हंस खेल लो, ठीक है। मैं अपनी वाइफ के साथ जब होता हूँ तो हम इतना हंसते हैं अक्सर कि हमारे पेट में दर्द सांस रुक जाती है। वो क्या इमोशन नहीं है, हंसी, रोना ही है तुम लोगों ने सबने अपनी बीवियों के आगे। हैं इमोशन शो करने ना, अगर तुमने सैड वाले या कोई बाइड या करना है करो, बट होपलेसनेस नहीं शो करनी उसे, यार मेरी होप खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। यार तुम ही तो हो उसकी होप, उस लड़की की जो अपना घर बार छोड़ के आती है, ठीक है, तुम्हारे साथ रहती है। जब तुम एज अ प्रोटेक्टर, एज अ प्रोवाइडर से होपलेसनेस शो करने लग जाओगे तो वो उससे किसके पास जाना है, मुझे बताओ। हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट हो सकती है, खुद अपनी जॉब वगैरह कर सकती है, लेकिन तुम आदमी हो यार, तुम मर्द हो, यू सो, जब तुम इस्लामिकली वाउज ले रहे होते हो तो उसमें यही तो होता है कि तुमने उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोवाइड करना है। तो आई मीन उसके बाद तुम जब उसे होपलेसनेस शो करना शुरू कर दोगे, देन ऑब्वियसली इननेटली वो औरत भी रिपल्स होगी तुमसे। बाकी मैं आप लोगों को एक और बात करता हूँ। एक कोई बंदा है, ठीक है, रैंडम, अभी मेरी वाइफ ने ना मुझे स्क्रीनशॉट भेजी कि उसने ना मैसेज किया, उसमें बता रहा है डियर फिजा, वो नहीं होता व्हाइट नाइट, मेरी वाइफ को बातें बेसिकली बता रहा है कि मूसा कितना बुरा है और ना आपने बड़ा गलत पार्टनर चूज किया है, आप इतनी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट हो लेकिन हमने पार्टनर कैसा चूज किया जो एंड्रयू टेट की आइडियोलॉजी इसको पुश कर रहा है, जो मैस्कुलिनिटी की बात कर रहा है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की। और फिजा मुझे वो हंसते हंसते भेज रही, कह रही है देखो क्या व्हाइट नाइट आ गया। योर एफर्ट्स टू बी द व्हाइट नाइट, इट्स लिटरली लैफेबल, ठीक है। ये जो तुम आते हो ना अपने आप में करने की कोशिश करते हो कि हम आगे नाइस हो जाएंगे, हम इसको बताएंगे कि जो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है और जो तुम्हारा जो मर्द है ये कितना बुरा है, हमें देखो हम कितने अच्छे हैं, हम तुम्हारा ऑनर प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें स्ट्रॉन्ग एंड नो गर्ल लाइक्स दैट। देखो मैंने रियलिटी बताता हूँ, जब तुम किसी भी लड़की के साथ इस तरह की हरकत करते हो ना, उनको अंदर से लिटरली हंसी आ रही होती है, लो जी आ गया मेरा एक और फैन, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, बहुत से यूट्यूबर्स जिनसे मैं अभी तक मिल चुका हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम बिलीव इन व्हाट आई से, लेकिन उनमें इतने पानी नहीं है कि वो आके पब्लिकली बोल सके।
ये मैं तुम्हें जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैं मतलब नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पीछे से एंड्रयू टेट को भी पसंद करते, सब करते हैं, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि यार कैंसिल होने से उनको डर लगता है। लेकिन कुछ इस तरह के लोग हैं जिनसे बड़े लोग जाके एडवाइसेस लेते हैं, जिनको बड़ा मैच्योर समझते हैं, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड दे डोंट नो शिट, दे आर नॉट एज इंटेलेक्चुअल एज यू थिंक दे आर। तुम लोग मिसगाइड हो रहे हो। जो बंदा तुम्हें आके रियलिटी चेक दे रहा है, मेरे जैसा बंदा जो जब तुम्हारा सुबह अलार्म क्लॉक चलता है तो गुस्सा नहीं चढ़ता, कहता कि उसको उठा के मैं फेंक दूं, वो मैं बंदा हूं, ठीक है, वो मैं तुम्हें रियलिटी के लिए उठा रहा हूं। और ये मैं इंस्टाग्राम वाली अवाम की बात कर रहा हूं, अगेन यूट्यूब वाले बहुत समझदार लोग होते हैं, पूरी बात सुनते हैं फिर अपनी जजमेंट देते हैं। मैं इवन हूं जो तुम लोग रियलिटी चेक दे के कह रहा हूं कि यार डोंट गेट प्लेड बाय वुमेन, और वुमेन को भी मैं कह रहा हूँ कि यार डोंट गेट प्लेड बाय द रॉन्ग मैन, डोंट गेट इनटू रिलेशनशिप्स विद दीज वीक मैन। पता होता क्या है, ऐसे चवल जो बड़े व्हाइट नाइट बन रहे होते हैं, इनको किसी औरत के साथ कभी एक्सपीरियंस नहीं होता, और इनकी शादी हो जाती है ना, ये मामाज बॉय भी होते हैं, इनकी जब शादी हो जाती है ना, इन्हीं मैरिजेज में औरत अनहैप्पी होती है, जिनको रिलेशनशिप्स का सर पाव नहीं पता होता, ठीक है। एंड वुमेन गेट टायर्ड एंड बोर्ड ऑफ दीज मैन, आई स्वेयर टू गॉड आई सीन सो मेनी केसेस, क्योंकि ये रोते रहते हैं अपनी बीवियों के आगे, होपलेसनेस शो करते हैं और दिखाते कि हम कितने नाइस हैं, लेकिन यू आर नॉट रियली नाइस, दीज गाइज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, दीज गाइज आर नॉट नाइस, दे आर ओनली बीइंग नाइस ताकि लड़की के फेवर में आ जाए। एक और बात है, बॉयज एंड गर्ल्स ये जो होते हैं ना इमोशनली वीक मैन जो होते हैं, ठीक है, मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो मामाज बॉय भी होते हैं, यही जो होता है ना डोमेस्टिक अब्यूज करते हैं अपनी वाइफ्स पे, ठीक है, आई स्वेयर, क्योंकि देखो जब आपके पास इमोशनल कंट्रोल नहीं होता ना, फिर आपके पास एंगर कंट्रोल भी नहीं होता, फिर आपके पास ये सैडनेस वाला कंट्रोल भी नहीं होता, देन ऑब्वियसली यू आर गोना गो टू द नेक्स्ट लेवल, विच इज के हाथ उठाना ऑन समवन दैट इज वीकर देन यू, कुड बी वुमेन, कुड बी चिल्ड्रन, ठीक है। मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, स्कूल शूटर्स कहाँ से आते हैं, मुझे एक बात बताओ, मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड, और सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड का क्या सीन होता है, जिसमें या तो बाप मिसिंग होगा या तो माँ मिसिंग होगी, ठीक है, जब माँ या बाप में से एक भी मिस हो जाता है ना, बच्चे को जो पूरी एक तरबियत होती है ना उसकी, वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। मोस्टली होता क्या है कि बाप घर में नहीं होता, ठीक है, और मेल प्रेजेंस इन हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू ग्रो, क्योंकि बाप जो होता है ना वो बच्चे को डिसिप्लिन करता है, ठीक है, माँ को तो आउटग्रेव कर देता है। पांचवी क्लास में मुझे याद है जब मैं था तो मामा मेरे पे जूतियां हैंगर रख रख के मारती थी, मैं यूं डॉज कर लेता था, ठीक है, अबू से मुझे मरते दम तक डर लगता था, मतलब जो वाले बच्चे होते हैं वो रोते रहते हैं, रोते रहते, कोई चुप कराने वाला नहीं होता, कोई डिसिप्लिन करने वाला नहीं होता, वो फिर जब स्कूल में हल्का सा बोली होते हैं या उनके कोई दोस्त नहीं बनते हैं, तो वो एंटाइटलमेंट में आके जी स्कूल में गन पकड़ के जाके उड़ा देते हैं सब। इस तरह के फिर हस्बैंड्स भी जो होते हैं ना, जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती, जो स्टोइक नहीं होते, ये जो व्हाइट नाइट्स होते हैं, सोए बॉयज, इनसे जब औरतों की शादी होती है ना, औरतें ज्यादा अनहैप्पी होती है इनके साथ। लड़कियां जो होती है ना, बॉयज एंड गर्ल्स, वो बड़ी समझदार होती है, उनमें ना एक सेवंथ सेंस होती है, ठीक है, इनेटली अंदर से उनको पता चल जाता है कि कौन आदमी सही है और कौन आदमी गलत है, ठीक है। तो जब आप ये वाली हरकतें करते हो ना, इट गेट्स यू नोवेयर, आई प्रॉमिस यू, दे ऑलरेडी नो, ठीक है। लड़कियां ना एट ए यंग एज हमसे ज्यादा स्मार्ट होती हैं, हम फिर बाद में मैच्योर ज्यादा होते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। ये जो कुछ लड़के ना जो अपनी बोंगियां मारते हैं, भाई ये बोंगियां मारना छोड़ दो भाई, बी स्ट्रांग, बी समथिंग पहले, ठीक है, बाद में तो तुम चीज को चेस करो ना, वो चीज फिर तुम्हें खुद चेस करेगी। खैर, आई विल सी यू एट इफ्तार टाइम। ये क्या ऊपर उल्टी कर दी, मिंट मार्गरिटा नीचे से रेड और ऊपर से ग्रीन, हाउ इट पॉसिबल? ओ अच्छा अच्छा, स्ट्रॉबेरी है, इस स्ट्रॉबेरी है, अच्छा अच्छा, मैं समझा नहीं, सॉरी, हो गया टाइम? एक तो फिजा के मोबाइल में टाइम ही नहीं होता भाई, हो गया 45, या हो गया टाइम। बाय द वे देखो, किसी टेबल टूट जाएगा, टूट गया, उसका भी एएसएमआर हो जाएगा। किस मर्द से शादी कर लिया आज तुमने, ये तो बताओ। मैं भी यही सोचती हूँ। मुझे लगता है एक बंदा था पहले जो हमारी शादी से पहले कहता था, मूसा भाई बहुत ठगी है, सब इसे शादी नहीं करनी, मैं बहुत अच्छा हूँ, यदि एंड्रयू टेट की बातें फैला रहा है, ट्रैफिकिंग करता है वो, तो ये करता है, मैं ट्रैफिकिंग करवा रहा हूँ यहाँ पे, हद हो गई यार, तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ मैं दिन रात बैठा हुआ, वो बात करूं जो आम आदमी करता ही नहीं कोई, सारे तुम्हारे पाकिस्तानी फेवरेट सेलिब्रिटी यूट्यूबर, एक बंदा सामने ले आओ जो तुम्हें सच बता रहा है, उनसे आप एडवाइसेस टिप लेने जाते हो, कोई लड़की मैसेज करती है हमारे हस्बैंड की नहीं बन रही, लड़ाई हो रही है, फॉरन कहकर डिवोर्स कर लो, इनको एक ही रास्ता आता है, या तो शादी ना करो, या तो 30-35 साल की उम्र में करियर ही बनाई जाओ, एक गरीब सोचे हैं लोग, जो वेस्टर्न मीडिया हम फॉलो करते हैं ना पाकिस्तान में, यूजली अमेरिका जिससे दूर होना चाह रहा है, ये LBGP
पीपी फिर उसके बाद ये यूजुअली लोअर मिडिल क्लास वाले लोग ये फॉलो करते हैं एग्जैक्टली जो अपर फैंसी क्लास इवन अंग्रेज भी हैं दे आर इवन खिलाफ वो तो बहुत खिलाफ है फेमिनिज्म के वो ट्रेडिशनल वैल्यूज पे बिलीव करते हैं मर्द उनके सारे काम करते हैं औरतें उनकी सारी हाउस मेकर्स होती हैं एजुकेशन लेती हैं वो औरतें और उनके पास चॉइस होती है औरतों के पास काम करना चाहे तो वो करती हैं एनफोर्स नहीं होता उनपे ना किसी औरत के बाल तुम आप पिंक देखोगे ना ब्लू देखोगे ना कुछ तुम्हें शहजाद शोजा से नजर आएंगे मोटे गप्पे शहजाद शोजा मैंने उसने नाम लिया उसने मेरी बकवास की थी इंस्टाग्राम पोस्ट पे ना बंदा के अपनी चूसे जाके मारा गया इंस्टाग्राम पे ना फ्रॉग पहले तो मैं पीएचडी अपनी ना कर रही होती एग्जैक्टली लाइक लोग ये बात लोग कह लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं कितना जुल्म कर रहा हूँ फिजा पे मैं इतना खिलाफ होता वुमेन एजुकेशन के जो कुछ लोग कहते हैं तो फिजा पीएचडी कर रही थी भी रोज जाती अपनी पीएचडी करने मैं तो कहता हूँ खत्म करे अपनी पीएचडी अच्छा है आगे काम भी इसको दिल करे तो करे मैंने उसको ऑब्लिगेशन में नहीं डाला हुआ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट नो अगर आप वो वीडियोस देख के आप लोग ये कह रहे हैं कि यार बहुत ही स्ट्रिक्ट टॉक्सिक एनवायरनमेंट है लोग सारा कुछ नहीं दिखाते लोग अपनी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाते लोग हर एक चीज नहीं दिखाते यूट्यूब मैं वही आज भी बात कर रहा था मैंने कहा कि मैं कहा आप लोगों ने कभी हमें हंसते हुए नहीं देखा साथ लाइक इमोशन सिर्फ रोना थोड़ी होता है मर्द के लिए वही तो हंस हंस के पेट में दर्द होता है अक्सर हमारे इसका मतलब कि कोई हम लड़ते रहते एक दूसरे से या मैं कोई इस पे यूं ही करता हूं आप शेयर कर सकते हो लेकिन यू कैन क्राई अबाउट द सेम थिंग सो मेनी टाइम्स दैट्स व्हाट पीपल मैं कह रहा मैंने कहा लड़की अपना घर छोड़ के आती है तुम्हारे पास है तुम उसको नाउम्मीदी दिखा रहे हो हर वक्त उस सेंस में बताओ होपलेस होके ना बताओ उस सेंस में दिखाओ कि यार यू गॉट दिस ठीक है उसका इनपुट ले लो ही डस टू ही आस्क्ड फॉर माय ओपिनियन मैं बता देती हूं कि ठीक होते हैं लोगों को लगता है मैं ओपिनियन ही नहीं लेता व्हाटएवर इज द बेस्ट या वी डिस्कस तो करना होता है देखो बीवी तो है ना आपके अपने साथ रह रही है हर वक्त मैंने तो नहीं कहा डिसीजन मेकर आपको ठीक है आप लो ना डिसीजन एंड में क्या कह सकते हैं भाई मैं तो ट्रैफिकिंग दिखा रहा हूं यहां पे भाई 15 मिनट्स लेटर ये कॉलीफ्लावर राइस है ठीक है ऑब्वियसली नॉर्मल राइस और नॉर्मल नान वगैरह मैं तभी खाता हूँ जब मैं किसी के घर दावत वगैरह वरना घर पे तो यही चलता है दूसरा आज फिजा का यू नो तबीयत नहीं सही थी तो हम रोटेसरी चिकन पर मैं ले आया था ये देखो जरा कहती है तुम्हारा रोज का मील था बिफोर यू गॉट मैरिड था तो सही वैसे उससे पहले ना शादी से पहले मैं ही खाता था बनी बनाई चीजें फिर मेरी शादी हुई फिर मेरी बीवी ने मुझे खाने बना के ये तो मैं तुम्हें दूंगा स्पॉइल हो गया इसे शादी कर लो इसलिए कहता हूँ मैं कोई चंगा सा कीम दिखा के शादी कर लो और मेरी टुई के पीछे पड़ गए सारे अगर अब्यूसिव हो और अगर मैंने करियर भाई तुम करियर बना लो फिर अभी तो बना ही रही हूं। भाई तो शादी के साथ भी तो करियर बन सकता है ना उसके बगैर ही बनाना होता है करियर है और मैं दोबारा तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ ये जो सोच है ना ये जो हमें वेस्टर्न हॉलीवुड से बॉलीवुड से दिए इनकी अमीर की क्लास नहीं सोचती ये पुअर क्लास की सोच है ठीक है तभी तुम्हें ये सारे LGBT जो है ये तुम्हें मैले गंदे नजर आते हैं अजीब शहजाद शो जैसे इनकी बातों में ना हो ये यहाँ का गरीब तबका की सोच है जो अमीर जो ऊपर टॉप के लोग हैं ना सारे ट्रेडिशनल वैल्यूज पे चलते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लेट्स कम बैक टू दीज वैल्यूज बिफोर इट्स टू लेट बिकॉज़ वी नीड पाकिस्तान टू गो ऑन अ लेवल बियॉन्ड ऑल अदर कंट्रीज ये गोल है मेरा लाइफ अपने मुल्क को उठा के लेके जाना है प्रेजिडेंट ना बन जाऊं बड़ो के मैं प्रेजिडेंट पाकिस्तान का और कितना और बन बाबो के अलावा तो किसी को बनाते ही नहीं जवान प्रेसिडेंट देखे कभी चलो जब मैं 60 साल का होगा ना 50 साल का आई विल रन फॉर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट इंशाल्लाह क्या हो गया डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे ये सारे कमेंट्स और खिचड़ी आती है जाके अगर तुम मेरी सपोर्ट करो तो लो इन लोग मजाक करो नहीं नहीं जस्ट स्प्रेड द लव ठीक है एंड शो सपोर्ट दैट्स ऑल आई एम आस्किंग बट एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग